लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल से एक बार फिर घमासान की खबरें आने लगी हैं। नई दिल्ली में दो दिन तक चली राजद के कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भले ही सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जाता रहा हो, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह एक बार फिर सबके सामने जाहिर हो गई है। एक ओर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बैठक से दूरी बना ली, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और लालू के बड़े लाल यानी बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के बीच तल्खी सारी सीमाओं को लांघ गया है। 9 अक्टूबर को बैठक बीच में छोड़ जिस तरह से तेज प्रताप यादव बाहर निकले और श्याम रजक पर गाली गलौज का आरोप लगाया, उसने साबित कर दिया कि राजद में ऑल इज वेल तो कतई नहीं है। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी, जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का काम किया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएससी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बात किया, हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, इसने हमको गाली जगदानंद सिंह भी नहीं आया। कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया? किसने? श्याम रजक ने मुझे गाली। थैंक यू। तेज प्रताप और श्याम रजक के बीच क्यों ठन गई है, इसे लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर कर लेते हैं। सूत्रों के अनुसार जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। लालू प्रसाद यादव को जगदानंद सिंह ने अपना इस्तीफा वाला पत्र सौंप दिया है। पूरे बैठक के दौरान यह चर्चा होती ही रही कि बेटे को मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज जगदानंद सिंह शामिल होंगे या नहीं। आखिरकार वे बैठक में नहीं पहुंचे, उनकी जगह बेटे सुधाकर सिंह खुद बैठक में शामिल हुए। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की आ रही खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लालू यादव इसे स्वीकार कर लेंगे या फिर उन्हें मनाएंगे। अगर नहीं मनाएंगे तो फिर राजद का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि एक दो दिन में लालू यादव बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नया फैसला कर सकते हैं। अगर नए नाम का ऐलान होता है तो बताया जा रहा है कि इसमें दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, पहला अब्दुल बारी सिद्दीकी और दूसरे श्याम रजक। अब श्याम रजक का जिक्र आया है तो एक बार फिर लौटते हैं तेज प्रताप और उनके बीच के विवाद की ओर। ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप नहीं चाहते कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान श्याम रजक के पास जाए। क्या यही आखिरी सच है या सच्चाई कुछ और है? बैठक की तैयारियों को लेकर कई दिनों से नई दिल्ली में मौजूद श्याम रजक पर तेज प्रताप ने आरएसएस एजेंट होने का आरोप लगाया और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने तक की मांग कर डाली है। ऐसे आरएसएससी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बात किया, हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, इसने हमको गाली दी। वहीं दूसरी तरफ श्याम रजक ने खुद को पार्टी का बंधुआ मजदूर और तेज प्रताप को राजा करार दिया। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, एक ही लाइन में कहता हूँ, समर्थ के होत न कोई दोष को साई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं एक दलित समाज से हूँ, मेरा भतीजा डेथ कर गया, मैं ऐसे ही दुखी हूँ, मैं दलित समुदाय से हूँ। दलित तो बंधुआ मजदूर होता है, तो बंधुआ मजदूर हूँ, तो सामर्थ्यवान है, जो भी कुछ कह रहे हैं वो सामर्थ्य के आधार पर कह रहे हैं। तेज प्रताप ने दावा किया है कि उनके पास श्याम रजक से जुड़ा ऑडियो क्लिप है जिसे वे सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल ये ऑडियो क्लिप तेज प्रताप ने जारी नहीं किया है, ऐसे में इसका भी इंतजार हो रहा है। कुल मिलाकर तेज प्रताप और श्याम रजक के विवाद के बीच की पूरी कहानी सामने आना बाकी है। इन तमाम विवादों के बीच लालू यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर रहने और मिलकर लड़ाई लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इधर उधर नहीं झांकना है, पार्टी को बड़ी लड़ाई लड़नी है और साथ रहकर ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं को कार्यकारिणी की बैठक वाले मंच से संदेश दिया कि वे हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं और पार्टी अपने पूर्व निर्धारित एजेंडे पर ही काम करेगी, पार्टी के लोग उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। कुल मिलाकर आरजेडी के भीतर की ही लड़ाई लंबी हो चली है और इसकी कई परतें खुलनी अभी बाकी हैं। इसलिए इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि लालू अपनी पार्टी में लंबे समय से और गाहे बगाहे चली आ रही समस्याओं से कैसे निपट पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी।